बंशीधर नगर अंतर्गत नगर गांव में बना रेलवे का सब में पानी जमा हो जाने के कारण आने जाने वाले राहगीरों और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आलम यह है कि विगत दो तीन दिनों से रुक रुक कर हो रही वर्षा का पानी अंडरपास में लबालब भरने से ग्रामीणों का आवागमन अवरुद्ध होता दिख रहा है गांव में आने जाने का एकमात्र रास्ता बंद होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश व्यापक होने लगा है रेलवे विभाग ने मानव रहित फाटकों पर हादसा को कम करने के लिए जगह जगह सबवे का निर्माण कराया है गढ़वा रोड चौपन रोड रेलखंड पर बंसीधर नगर में तीन अंडरपास बनाए गए हैं जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है सबवे से पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है सबवे में पानी जमा हो जा रहा है जिसके कारण लोगों में काफ़ी उग्रता परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पिछले 19 अगस्त को भी ग्रामीणों ने रेलवे के अधिकारियों को मौखिक जानकारी दिया था कि पानी भर जाने के कारण आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है उसके बाद पानी निकासी की व्यवस्था कराई जाती है फिर जाके उसमें से पानी निकलता है परंतु फिर से बारिश होने के बाद स्थिति वही की वर्तमान वही स्थिति यह है कि थोड़ी देर की बारिश से सौ में ऊपर तक पानी भर जा रहा है सव्य में पानी भरने के बाद गांव के लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी उत्पन्न हो रही है रविवार की रात हुई अच्छी वर्षा में सव्य में लबालब पानी भर गया है नतीजा यह है कि ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो गया है ग्रामीणों में विरोध के स्वर फिर से फूटने लगे हैं जो किसी दिन अब धरना प्रदर्शन के रूप में सामने आ सकता है इधर गाँव के पिंटू खान आजाद खान अशोक प्रसाद लाला पासवान परवेश खान शाहिद हीरा प्रसाद पप्पू मेहता गोपाल पाठक मुकेश पाठक शौकत खान सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाती है इस गांव से प्रत्येक दिन हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है आए दिन बाइक सवार गिरकर घायल हो जाते हैं ग्रामीणों ने कहा कि पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है यही कारण है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है लोगों ने कहा कि जहाँ जान जोखिम डालकर सौब्यम से हमेशा पार किया जाता है